हेलो फ्रेंड्स, आई हूं आदित्य एंड यू आर वाचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद ए के ओबेरॉय। और ये है चैप्टर ऑटम लेसन 3 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है, क्लास 9 के बच्चों के लिए बनाई गई है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लीजिए कि ये वीडियो हिंदी वर्जन में है और बंगाली में भी जल्दी आपको मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता एंड यू वाचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद ए के ओबेरॉय। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के ऑटम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो जिसका पोएट है जॉन क्लेयर। उनके बारे में आइए जानते हैं कि वो एक इंग्लिश के बहुत ही फेमस कवि थे और जिन्होंने कंट्री साइड यानी अपने गांव के जिस जैसा परिवेश होता है उनके बारे में बहुत ही अच्छा विवरण वो देते हैं। तो आइए, उनका बहुत सारे पोएट्री उन्होंने लिखा है जिसका नाम है फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, ETC, जो विलेज से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। इस चैप्टर में उन्होंने ऑटम यानी पतझड़, जो विंटर के पहले आते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हमें बताया है इस कविता के जरिए। I love the fitful gust that shakes the casement all day। वो उस अनियमित हवा के झोंके से बहुत ही प्रेम करते हैं। हर अनियमित fitful यानी अनियमित और gust यानी हवा का झोंका, और जिस प्रकार वो सब कुछ हिला देता है, द केसमेंट ऑल डे, और जिस प्रकार मेरे दरवाजे पे दस्तक देता है, एंड फ्रॉम द मोजियन ट्री, मोजियन ट्री यानी कि चीज बेल का जो पेड़ होता है, उस ट्री फेड द लीव्स अवे, और उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो मेरे सामने से वो किस प्रकार फेड हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, किस प्रकार झड़ रहा है वो दिखाई देता है। हवा का झोंका किस प्रकार सब कुछ को झाड़ सकता है, इतना अच्छा होता है हवा का झोंका कि वो जो मुरझाए हुए ट्रेलिंग देम बाय द विंडो पेन, वो जो मुरझाए हुए जो पत्ते होते हैं उन्हें सब कोई को ले जाता है और मुझे खिड़की से दिखता है, मेरे विंडो से। उसके बाद क्या होता है, विद थाउजेंड अदर डाउन द लेन, और हजारों पत्ते जमीन पे मेरे को गिरे हुए दिखाई देते हैं, लेन यानी जमीन पर। आई लव टू सी द शेकिंग ट्विग डांस टिल द शट ऑफ ईव, द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिक whose cheer would make believe। तो मैं उस ट्विग शेकिंग ट्विग से यानी कि जो वृक्ष का डाली है उससे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि हवा जिस प्रकार उसे अपने झोंके से हिलाता है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। डांस टिल द शट ईव, और वो इसी प्रकार हिलता रहता है, शाम भी हो जाए तब भी वो इस प्रकार हिलता है। द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिंग, और क्या लग रहा है कि वो पेड़ ऐसे मानो कि डांस कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है, स्पैरो जो है वो मेरे कॉटेज पे आकर बैठते हैं, कॉटेज के ऊपर, उस चिरप वुड मेक बिलीव, और जिसका चिरप जो चीची आवाज होती है ना चिड़िया की, उससे मुझे बिलीव मिलता है कि दैट स्प्रिंग वाज जस्ट नाउ फ्लटिंग बाय, जो कि जो स्प्रिंग होता है हमारा वो जस्ट आ चुका है, पतझड़ का मौसम आ चुका है। इन समर लैप्स विद फ्लावर टू लाई, जो समर का लैप है वो जो गर्मी का जो सीजन है उसके बाद ये जो सीजन आता है जहाँ पे इसके बाद जो फूल खिलेंगे, सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, वो सीजन अब आने ही वाला है। I love to see the cottage smoke curl upwards through the naked trees। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि वो जो कॉटेज है, कॉटेज से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो किस जिस प्रकार कर्ल होकर घुंघराते हुए ऊपर जब उड़ता है, हवा में निकलता है उस नेकेड ट्रीज या जिस पेड़ पे पत्ते नहीं होते हैं, वो देखकर बहुत ही आनंदित लगता है। द पीजन नेस्टलेट राउंड द कोट ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस, जो पीजन होते हैं, कबूतर जो होते हैं, वो अपने कोट के सामने यानी अपने घोंसले के सामने है, घोंसले पे है, बैठे हैं अपने घोंसले पर और बोर हो रहे हैं वो वहाँ बैठकर, ऐसा मानो कि डल नवंबर डेज की तरह उन्हें लग रहा है, यानी बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं, ऐसा लग रहा है उन्हें। वो जो नवंबर का महीना था वो कबूतर को बहुत ही बोरिंग सा फील हो रहा था और वो बहुत ही बोर हो रहे थे उस महीने में। द कॉक अपॉन द डंक हिल क्रोइंग द मिल सेल ऑन द हिट अ गोइंग, और जो मुर्गा था वो डग हिल यानी जो गोबर का पहाड़ सा था उसके ऊपर चढ़कर वो बाग दे रहा था। द मिल सेल्स ऑन द हिट अ गोइंग, इसका अर्थ ये है कि जो मिल है यानी जो पवन चक्री है वो घूम रहा है वो मैदान में, और खाली मैदान है तो वहाँ पे वो जो पवन चक्री होता है ये वो घूम रहा है।
The feathers from the raven breast falls on the stubble lea. The acorn near the old crow's nest fall pattering down the tree. तो इसमें ये कह रहे हैं कवि कि जो फेदर है रेवन पक्षी का, जो पंख है वो गिर रहा है और फॉल्स ऑन द स्टबल ली. स्टबल ली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो खेत दिख रहा है, फसल जो कट जाती है वो तो ऊपर से कटती है, नीचे की तरफ से तो जड़ से नहीं काटा जाता है, तो ऊपर जो बच जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उस जो फसल होती है उसके ऊपर जाकर उनका जो फेदर है, रेवन एक पक्षी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उसे, तो वो आपको दिख जाएगा. तो वही पक्षी का जो फेदर है, पंख है, वो उसके ऊपर गिर रहा है. द अकॉर्न नियर द ओल्ड क्रोज नेस्ट, और ओल्ड क्रो नेस्ट, ओल्ड क्रो यानी बूढ़ा सा कौआ है, उसके नेस्ट यानी उसके घोंसले में जो अकॉर्न, अकॉर्न यानी कि एक प्रकार का फल होता है, तो आपको दिख जाएगा अभी स्क्रीन पे, तो वही फल वहाँ से गिर रहा है. फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री, पैटरिंग मतलब कि बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे गिर रहे हैं ट्री से. द ग्रंटिंग पिग्स दैट वेट्स फॉर ऑल स्क्रम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल, और जो पिग है, जो पिग्स होते हैं ना, वो पिग्स उसका वेट कर रहे हैं कि कब गिरेगा, और वो जल्दी 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 उन्हें पकड़ेंगे, जो हमारा अकाउंट जो गिर रहा है ओल्ड क्रो के नेस्ट से. तो यही था इस चैप्टर में. हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी मेरे अगले वीडियोस की. और हाँ, याद रखिए शेयर करना ना भूले, कमेंट भी कीजिए, और अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर @learning_ex सर्च मारिए, या फिर अगर मेरे प्राइवेट अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो AK Oberoi Officials पर भी आप जा सकते हैं. थैंक यू.